नमस्ते। आज बुधवार है और एक बार फिर से मैं लर्निंग वीडियो लेके आ गया हूँ। ये लर्निंग वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉम्प्लेक्स थियरी सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश मैंने की है और ये जो थियरी है सही मायने में बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से स्टार्ट टू फिनिश देखना चाहिए, क्योंकि एक बार देखने से आपको पूरी थियरी पता चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इस थियरी में कई लिमिटेशंस है और ये लिमिटेशंस क्या है और उसके वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ता है, तो वो लिमिटेशंस क्या है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस लिमिटेशंस के सॉल्यूशंस भी मैंने इसी वीडियो में दिए हुए हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो एट लेंथ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इलियट वेव थियरी को। ये जो इलियट वेव थियरी है ये राल्फ इलियट इन्होंने 1930 में स्थापित की थी। इन्होंने तब ये थियरी लिखी थी। ये जो थियरी है वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स और शॉर्ट टर्म चार्ट्स ये दोनों मिला के बनाई गई है। इसलिए ये पहले आपको शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखना है और लॉन्ग टर्म का प्रिडिक्शन करना है, और लॉन्ग टर्म के चार्ट देखते हुए शॉर्ट टर्म का प्रिडिक्शन करना है। इस तरीके का ये थियरी है। ये जो थियरी है ये बेसिकली इन्वेस्टर साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी, इस पे ऊपर आधारित है। ये जो थियरी है ये मास साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है जैसे मैंने कहा, पर ये जो वेव काउंट है वो रिपीटेडली रिपीट होते नज़र आते हैं और ये कई डिकेड्स में हमने इसका प्रभाव पड़ते हुए देखा हुआ है। ये जो थियरी है ये सभी टाइम फ्रेम्स में आपका आपको इसका उपयोग होता नज़र आएगा। यानी आप इंट्राडे चार्ट देखिए, 5 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, 1 आवर देखिए, डेली देखिए, वीकली देखिए, मंथली देखिए, क्वार्टरली देखिए, सारे टाइम फ्रेम्स पे इस थियरी को परफेक्शनिस्ट की तरह से परफॉर्म करते नज़र आ चुके हैं। तो चलो अभी हम समझते हैं ये थियरी की वेव काउंट कैसी बनती है। तो मैं लेके जाता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और हमें अभी पता चलेगा कि कैसे ये वेव काउंट्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये वेव काउंट्स होते हैं। पहले एक अपमूव आता है, इसको हम वेव 1 कहेंगे। ये शुरुआत का दौर है। उसका करेक्टिव रैली आती है, उसको हम वेव 2 कहेंगे। वेव 3 एक बड़ी रैली देखने को मिलती है जहाँ पे वेव 1 का टॉप इजीली क्रॉस करके हम बहुत ऊपर चले जाते हैं। उसकी करेक्टिव वेव जो आती है वो वेव 4 कहती है और वापस एक बार फिफ्थ वेव आती है जो कि एक नया उच्चांक लेके जाती है निफ्टी को, सॉरी इंडेक्स को या स्टॉक को। ये 5 वेव होने के बाद हम इंटरमीडिएट ट्रेंड में जाते हैं। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड में क्या होता है, वेव ए होती है, फिर उसकी करेक्टिव रैली यानी पुल बैक रैली वेव बी, और वापस एक बार डाउन ट्रेंड वेव सी। इसमें आमतौर पे क्या होता है, ये जो ए बी और सी वेव है इधर कॉमन इन्वेस्टर डर जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो ये वेव 1 2 3 4 5, उसके बाद ए बी सी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये वापस रिपीट होता है नज़र आता है। तो इन शॉर्ट अगर देखना है तो मैं फास्ट दिखाता हूँ आपको कैसे काउंट किए जाते हैं। अभी इस पे कोई रूल्स होते हैं जो वेव 1 2 3 4 5, ये जो रूल्स है ये एक भी रूल अगर टूट जाता है तो आपको वेव काउंट वापस से शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमें रूल नंबर 1 है, वेव 2 नेवर गोज बिलो वेव 1। इसका मतलब क्या है, ये जो वेव 1 का जो लो है इसके नीचे ये वेव 2 नहीं जानी चाहिए। ये मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के दिखाया है, जो डॉटेड लाइन है
ये डॉटेड लाइन मेन ट्रेंड से नीचे नहीं जानी चाहिए। वेव थ्री ये सबसे छोटी नहीं होती, वो बड़ी होती है, और वेव फोर कभी भी वेव वन में एंटर नहीं किया जाता है। वेव वन का टॉप जो है उसके नीचे नहीं आना चाहिए वेव फोर, वही वेव फोर कहलाएगा। और वेव फाइव ये यूजुअली सबसे बड़ा होता है, इन पांचों पांचों वेव्स में फिफ्थ वेव स्ट्रेच्ड होती है और थोड़ी सी वर्टिकल होती है। उसके बाद हमें इसके कैलकुलेशन समझने चाहिए। लेंथ ऑफ वेव टू इज 0.61 टाइम्स ऑफ वेव वन, यानी थर्ड लेवल ऑफ करेक्शन तक मैक्सिमम आ सकता है, ऐसा ये कहना है। मैक्सिमम थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल क्या है, हमने जो रिट्रेसमेंट देखा है वो रिट्रेसमेंट लेवल्स है 1, 2 और 3। थर्ड लेवल ऑफ करेक्शन वो 0.61% होता है। लेंथ ऑफ वेव थ्री इज 1.618 टाइम्स ऑफ वेव वन, ये मिनिमम है, यानी जो रिट्रेसमेंट के जो अगर हम स्ट्रेच करने जाते हैं तो उसमें हमें उल्टे कैलकुलेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो मिनिमम थर्ड वेव कितना होगा, 1.618%, यानी ऑन द हायर साइड थर्ड लेवल ऑफ रैली, इतनी अप मूव आपको देखने को मिलेगी। वेव फोर्थ ये सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन होता है ऑफ वेव थ्री, यानी वेव थ्री की जो मूव है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं तो सेकेंड लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है, उसके पहले ही इसने यू टर्न लेना चाहिए। और वेव फाइव मिनिमम वन वन टाइम्स ऑफ वन वेव वन होना चाहिए, मिनिमम, इससे ज़्यादा भी होता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी वेव देखने को मिलती है। जो करेक्टिव रैली है, इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात कर रहा हूँ अभी, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड बार बार मैं कह रहा हूँ, पिछले 2 महीने में 3 महीने में आपने जो मैं वीकली सैटरडे को जो यूट्यूब वीडियो जारी करता हूँ अगले हफ्ते के लिए, उसमें मैंने 3 हफ्तों से 3 महीने से लगातार कहा है कि हम इंटरमीडिएट ट्रेंड में है। ये क्यों कहा, इसको समझते हुए आपको समझ में आएगा। तो जो वेव ए होता है वो सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन होता है ऑफ वेव फाइव मैक्सिमम। बी होता है वापस एक बार वो रिट्रेस होता है, जो वेव ए आ गया है उसका हम 0.618% का रिट्रेसमेंट देखते हैं। और सी ये मिनिमम वन टाइम ऑफ वेव वन आती है। तो जो ए वेव है उतनी ही सी वेव की करेक्शन देखने को मिलती है। अभी ये कॉम्प्लेक्स देखिए, इधर जो कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दिखा रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5 ए बी सी, यानी पहली वेव इधर से इधर तक खत्म हुई, इंटरमीडिएट ट्रेंड खत्म हुई। जैसे ही मैंने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो मुझे पता चला कि ये वेव वन वापस शुरू शुरू हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद वापस एक बार ए बी सी, एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5 और ए बी सी। कभी ना कभी ये 5 सेट्स में होते हैं, तो कभी ना कभी ये ए बी सी कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट डाउन मूव। तो फिर ए बी और सी 1, 2, 3, 4, 5 नीचे में, उसके करेक्टिव रैली ए बी सी, वापस एक बार 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 सेट्स में सब कुछ होता रहता है। अभी जो आपको समझना है ये है वेव नंबर वन, उसमें से बड़ा वेव नंबर टू, वेव नंबर थ्री, वेव नंबर फोर और वेव नंबर फाइव। अभी ये ए बी और सी। देखिए दोस्तों, ये आप कौन से मूव में है, लॉन्ग टर्म ए फर्स्ट वेव, लॉन्ग टर्म थर्ड वेव, लॉन्ग टर्म फिफ्थ वेव, उसमें से माइनर ट्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, उसके अंदर ए बी सी, ये सब समझना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप डायरेक्शनल मूव ले सकते हैं। अभी मैंने जो कहा लिमिटेशंस, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। लिमिटेशन में पहली बात, आपको वेव काउंट पकड़ना आना चाहिए। अगर एक भी वेव काउंट आपने गलत पकड़ लिया तो आपके स्टॉप लॉसेस 30 to 40 to 50% हो सकते हैं, और फिर वो सारे वेव काउंट चेंज करके आपको वापस एक बार कौन से वेव में हो उस तरीके से आपको आपकी पोजीशन लेनी पड़ेगी। ये सबसे दिक्कत वाली बात है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, इसके लिए इलर्ट वेव पे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, बहुत महंगे सॉफ्टवेयर हैं। और उसमें क्या है, गारंटी है कि वेव पकड़ता है? बिल्कुल नहीं। आज कहेंगे वो फिफ्थ वेव में है या थर्ड वेव में है, और एक लेवल ब्रीच होने के बाद वो लेवल पीछे से सब काउंटिंग चेंज हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो आपकी पोजीशन आपको वापस एक बार शिफ्ट करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो दो लिमिटेशंस है और बड़े वाले हैं कि जब वेव काउंट चेंज होता है, आपने अगर पहला वेव काउंट बराबर नहीं लिया तो आखिरी वाला वेव काउंट बिल्कुल चेंज होगा, और इस तरीके से आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। तो ये, और दूसरा जो मैंने कहा, वापस एक बार कह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है वेव काउंट करने वाले वो बहुत महंगे हैं। इसके ऊपर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है कि टेक्निकल एनालिस्ट के आल्टर्ड थियरी जो है वो अपने को सीखनी चाहिए। देखिए, मैं मेरे वेबसाइट पे जाता हूँ, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप, अगर इधर क्लिक करते हो और ये सिंप्लीफाइड आल्टर्ड थियरी अगर आप समझते हो, जहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी है, जहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाता है, वो एक बार सीख जाते हो तो ये जो कॉम्प्लेक्स थियरी है इलाइट वेव की, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे प्राइस पैटर्न्स में, हमारे जो बाकी के पैरामीटर्स है जिनके ऊपर हम निर्भर होके बाय या सेल कॉल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वेव काउंट पकड़ लेता है। तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, वेव काउंट से बच जाते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से आप बच जाते हैं। तो आपको ये वर्कशॉप अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल करना ही चाहिए। जो सीखता है वही बहुत अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि उसके पास कन्विक्शन आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ये सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। हमारे आज तक की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। मेरा ये मानना है कि मेरी स्ट्राइक रेट 50 to 60% है, ऑन द लोअर साइड 50% है, पर जब 50% की स्ट्राइक रेट है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:3 होता है, तो हम जो नुकसान वाले सौदे हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं और फायदे वाले सौदे में बहुत बड़े फायदे कमाते नजर आते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको इस तरीके से ये समझना चाहिए। अभी हम आते हैं निफ्टी में, और मैं समझाता हूँ अभी हम कौन से वेव में है, ये एक मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। तो हम जाते हैं केजे चार्ट्स पे। अभी निफ्टी का जो कोरोना के बाद की पहली मूव आई, इसको हम वेव नंबर 1 कहेंगे, उसकी करेक्टिव रैली वेव नंबर 2 कहेंगे। वेव नंबर 2 वेव नंबर 1 के नीचे नहीं गया, फिर एक तीसरी रैली आ गई थर्ड वेव की, उसका जो करेक्टिव रैली आई ये वेव नंबर 2 का जो बॉटम था उसको टूटा नहीं, तो हम ये बॉटम किए, और उसके बाद ये वेव नंबर 5, ये 1 2 3 4 5, ये पूरी 5 वेव्स हमने येलो लाइन से आपको दिखाई है। अभी जो आपको देखने को मिलेगा रेड लाइन में, थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा, ये जो करेक्टिव रैली हमने देखी, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अभी ये सी वेव खत्म हुआ क्या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं एक अलग ट्रेंड लाइन लेता हूं,
मैं क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको इधर भी दिखाई थी वीकली आउटलुक पे, तो ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तब हमारी ये फर्स्ट वेव येलो से काउंट करना शुरू हो जाना चाहिए। वो क्या इंटेंसिटी से होती है, क्या नहीं होती है, वो हमें देखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, एक वेव वन बनेगी, उसकी करेक्टिव 2, 3, 4 और वापस एक बार बहुत बड़ी 5। उसके बाद वापस क्या होगा, ABC। तो ये रिपीटेटिव मैनर होते ही रहेंगे। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैंने ये जो इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात मैं लगातार फरवरी महीने से कर रहा हूं, ये हम पिछले 3 महीने से, फरवरी मार्च और अप्रैल, अभी थर्ड मंथ शुरू हो गया है, हम लगातार रेंज बाउंड मार्केट में अटके हुए हैं। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी नेक्स्ट वेव की शुरुआत होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ऐसे ही रिपीटेशन आपको आगे में देखने को मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है आगे, अगले 3-4 साल में बहुत बड़ी रैली आने वाली है। आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप तैयार हो, आपको अगर ये वेव काउंट समझ में आता है, आप अगर आपको अल्टर टेक्निकल एनालिसिस थियरी समझ में आती है, तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास कन्विक्शन होगा। तो दोस्तों इसका लाभ लीजिएगा, हमारे वेबसाइट पे जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको इधर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ग्रीटिंग्स, ये मेरा क्लिक नाम करने के आशीष बाद केलकर ये है और बहुत मैं आपका इंपॉर्टेंट किरण है, .com पे स्वागत करता हूँ। सॉरी, ये क्लिक करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इधर मनी बैक गारंटी की बात की, वो आप रूल्स पढ़ लीजिएगा, क्या क्या सिखाने वाले हैं, कंटेंट ऑफ द वर्कशॉप, कौन सिखाने वाला है, ये सब कुछ इधर आ जाएगा। और सबसे अहमियत वाली बात कि ये इमीडिएट 17 अप्रैल से वर्कशॉप शुरू होने वाला है, आपको आपके घर से ये अटेंड करना है। ऑनलाइन वर्कशॉप है, 100% मनी बैक गारंटी है, वो समझ लीजिए और इसको रजिस्टर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, 2 हफ्ते के बाद आपने लर्निंग वीडियो देखा। अगले हफ्ते वापस एक बार बुधवार को कोशिश करूंगा कि और एक लर्निंग वीडियो जारी हो जाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।